अब इस सब्जी को एक सर्विंग बाउल में निकालेंगे। ये सब्जी हेल्दी होने के साथ साथ टेस्टी और चटपटी है। बच्चे बड़े सबको बहुत पसंद आने वाली सब्जी है ये, और इसको रोटी पराठा किसी भी चीज के साथ सर्व कर सकते हैं। नमस्ते, मैं सुमनलता दीक्षित। आज मैं अपनी किचन में अचारी परवल की रेसिपी शेयर करूंगी। चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। इस सब्जी को बनाने के लिए ये आधा किलो परवल है, इनको धो के छील के काट लिया है। एक परवल मैंने रखा हुआ है दिखाने के लिए, इसको ऊपर ऊपर से रगड़ना है, नीचे से इसका छिलका नहीं हटाना है, ऊपर ऊपर से रगड़ना है और दोनों तरफ से इसके डंठल काटने, और फिर इसको इस तरीके से काट लेंगे। अगर इसके बीज हार्ड होंगे तो उनको निकाल देंगे। एक बड़ा प्याज है, उसको मैंने स्लाइस में काट लिया है। गैस के ऊपर मैंने कढ़ाई रख दी है और इसमें 4 बड़े चम्मच सरसों के तेल के डाले हैं और ये गर्म हो चुका है। और अब इसमें 1 छोटा चम्मच जीरा डाल देंगे। जीरा पकने के बाद इसमें 1/4 चम्मच हींग डाल देंगे। हींग डालने के बाद इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज के साथ एक हरी मिर्च है, इसको डाल दूंगी, ये लाल हो गई है। और अब इसको ट्रांसपेरेंट होने तक भूनेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब कर देना, बेल को प्रेस कर देना, जिससे आपको मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो इसे लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर देना, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना ये रेसिपी आपको कैसी लगी। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, आधा छोटा चम्मच हल्दी डाल देंगे। मसाले भूनने के बाद अब इसमें 1 छोटा चम्मच ग्रेट किया हुआ जिंजर और गार्लिक डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मसाले के साथ मिक्स करके भूनेंगे। अब इसमें कटे हुए परवल डाल देंगे और मसाले के साथ इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। गैस की फ्लेम को कम करके इसको ढक्कन लगा के पकने के लिए रख देंगे। बीच बीच में इसको चलाते भी रहेंगे। गैस की फ्लेम को कम करके मैंने इसको 15 मिनट ढक्कन लगा के पकाया है और ये अच्छी तरह से पक चुके हैं। इसमें से तेल भी अलग हो गया है। और अब इसमें आधा छोटा चम्मच अमचूर डालेंगे, आधा छोटा चम्मच सौंफ पाउडर डालेंगे, आधा छोटा चम्मच गरम मसाला डालेंगे और 1 बड़ा चम्मच अचार का मसाला डालेंगे। मैं इसमें आम के अचार का मसाला डाल रही हूँ। और अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। गैस की फ्लेम को तेज़ करके इसको नीचे तक चलाएंगे, जिससे सब्जी नीचे ना लगे और मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। बहुत ही अच्छी सब्जी बनी है और खुशबू भी इसकी बहुत अच्छी आ रही है। थोड़ी देर पकाने के बाद गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। सब्जी बनकर तैयार है। चलिए मिलते हैं अब एक अच्छी सी नई रेसिपी के साथ। बाय।